हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सादा जीवन, उच्च विचार में भरोसा रखते थे, इसी स्वभाव के कारण उन्होंने उनको महात्मा कहकर पुकारा जाता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए, जैसे ही आप वहाँ हमारे देश की बागडोर जब से संभाली, तब से ही भाई दीनदयाल योजना आई, अपनी छत अपना धर्म आई हो, सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री सुशासन ज्यादा अच्छी सोच वरने की इरादा हो, शासन कम सुशासन ज्यादा अच्छी सोच वरने की इरादा, जनधन योजना सही बनाई, कौशल विकास ठीक आई, मेरा बीमा फसल योजना चलाई, दिया किसान बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से लोक संपर्क विभाग जैसे रात्रि खुले दरबार लगाकर, माननीय DPRO के मार्गदर्शन में रात्रि खुले दरबार लगाकर भी जनता तक किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मंच पे कोई विवाद हुआ है और शायद कोई लोकल जो कार्यकर्ता है उसको नाराजगी जाहिर हो रही है, उसको लेकर OSD को डांटते हुए और किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के लिए योजनाएं चलाते हैं। और आज के दिन हुए मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, इसको सफल बनाने के लिए भारत के सभी जनता से अपील की। कलापुरा गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और एक कार्यकर्ता मंच पर ही मुख्यमंत्री जी के साथ रोते हुए नजर आ रहे हैं और OSD को सुरक्षा की प्राप्ति को मनाया जाए। मुझे यहाँ बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये कार्यक्रम अगले 2 साल तक चलते रहेंगे। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यकर्ताओं को मनाते हुए हरियाणा की सभी झांकियों पर महात्मा गांधी की जीवन को समर्पित होगी। इसके अलावा पद यात्राएं भी निकाली जाएंगी, इससे पूरे राज्य में हर गांव के कवर किया जाएगा और इस पद यात्रा में 150 युवा प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा तैयार करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गांव के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, BJP पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री मेहर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा आगे का मंच संचालन करेंगे। श्री मेहर सिंह नाराज कार्यकर्ता को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं।
मंच पर ये कार्यकर्ता रोते हुए नजर आए मुख्यमंत्री के सामने। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर जरूर करें इस खबर को। शुरुआत करते हुए हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आज पधारे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से यात्रा के लिए ये तस्वीरें इस समय आप करनाल के कलामपुरा गांव की दिख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री आज रोड शो करने करनाल में पहुंचे थे और एक कार्यकर्ता किस तरह से नाराज होकर मुख्यमंत्री के सामने फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, उनको समझाते हुए तमाम लोग नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानने मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग हमारे को दिखाया है और एक स्वच्छता हिंदी भाषा में हरियाणवी भाषा में कहा गया है साफ सफाई सुथरी लग गए ओड़ा ईश्वर खुद वास करे और जित गंदगी के ढेर पड़े हो वहाँ बीमारी वास करे। आइए श्री मेहर सिंह जी वरिष्ठ कार्यकर्ता अपना संबोधन रखेंगे। मेहर सिंह मैं सभी ग्रामवासियों की ओर से हमारे इस गांव में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सदा कृपा रही है आज हमारे बीच में पधारे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं पहले बंसीलाल जी और मैं गांव के सरपंच हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पगड़ी पहरा करके स्वागत करें। क्योंकि समय की बहुत बड़ी व्यवस्था है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने मन की बात आज की जो कार्यक्रम है आप लोगों के सामने करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री काछवा गांव के हमारे सरपंच भाई बंसीलाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता मेहर सिंह जी, ब्लॉक समिति मेंबर सोम सिंह जी, विजेंद्र खोखर जी, दिनेश खोखर जी, करनाल से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण व कलामपुरा गांव के हमारे सभी निवासियों भाइयों बहनों पत्रकार छायाकार मित्रों, आज एक विशेष दिन है जिसके कारण से आज मुझे यहाँ आना हुआ है मेरा और वो है 2 अक्टूबर। हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर पूरे देश में न केवल देश में दुनिया भर में हम अपने आदरणीय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस इस रूप में मनाते हैं और साथ ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है और इस बार ये जन्मदिन विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। सारे देश भर में हम लोगों ने तय किया है कि आज के दिन से यात्राएं शुरू करेंगे, कई पदयात्राएं होंगी, कई वाहनों पर यात्राएं होंगी और एक दिन में कई कई गांव ये हम कवर करेंगे और इस दिन एक संदेश विशेष संदेश है जो महात्मा गांधी जी का दिया हुआ भी संदेश है कि हम लोग स्वच्छता अभियान जो देश के प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले 2 अक्टूबर सन 2014 को आह्वान किया था कि भारत में स्वच्छता अभियान चलाकर अपने देश को सुंदर बनाओ। देश आजाद हुआ वो अंग्रेजों की गुलामी से हुआ लेकिन गंदगी से आजादी हमको लेनी है तो देश को स्वच्छ बनाना होगा। अगर गंदगी ऐसी चीज है जिसको हर कोई नफरत करता है, वो कोई एक आदमी नफरत करता दूसरा चाहता ऐसा नहीं है, जब सबके विरोध की चीज है, सबकी घृणा की चीज है
तो फिर गंदगी से दूर क्यों ना हुआ जाए। वो गंदगी हमारे घर के अंदर हो सकती है, कूड़ा करकट हो सकता है, गली में मोहल्ले में हो सकती है, हमारे स्कूल के अंदर प्रांगण में हो सकती है, हमारे अस्पतालों में हो सकती है, हमारे शिवालय में हो सकती है, कोई भी स्थान सार्वजनिक स्थान है उसको साफ सुथरा रखना ये हमारी आदत बननी चाहिए, हमारा स्वभाव बनना चाहिए। और यदि ये स्वभाव बन गया तो देखने में तो सुंदर लगेंगे ही, सुंदर चीज हर किसी को प्यारी होती है, चाहे वो मूर्ति हो सुंदर, चाहे वो मकान सुंदर हो, चाहे बच्चा सुंदर हो, आदमी सुंदर हो, यहाँ तक हम अपने जानवर पशु इनको भी देखते हैं, अगर सजा संवारा सुंदर है तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई आदमी सामने दूसरे आदमी की गोद में छोटा बच्चा देख लेता है तो उसको प्यार से अपनी गोद में लेने की इच्छा तब करता है जब बच्चा साफ सुथरा हो। अगर बच्चा साफ सुथरा नहीं है, मान लो उस बच्चे की सिनक बह रही है, नाक बह रही है, तो क्यों अपनी गोदी में लेगा उसको? क्यों लेगा? कोई नहीं लेगा ना। इसलिए हर कोई सुंदरता पसंद है, हर कोई स्वच्छता पसंद है, सफाई पसंद है। तो ये एक ऐसा काम है जो पहले महात्मा गांधी ने तो कभी इसका आह्वान किया था, उसके उनके मन में भी ये बात उठती थी, दिमाग में बात उठती थी, उनके आदत थी, स्वभाव था, जहां कहीं गंदगी देख लेते थे। सर, परिवार में जब परिवार में कोई थोड़ा सा होता ना, थोड़ा सा सोचा था कि पालनगर में पुष्प अर्पण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो वहां पर काफला रोकने की कोशिश करी, तो शायद सीएम साहब के संज्ञान में बात नहीं थी, इस वजह से वहां पर काफला रुका नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे अंदर एक जैसे एक परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों से गुस्सा आता है, वो मैं यहां पर स्टेज पे अपना गुस्सा निकाला मैंने, और मेरे अंदर जो भाव था मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ जी, जब से मेरे को ये है, जब से मेरे को ये अपना होश आवास है, तब से मैं भाजपा का कार्य करता हूँ जी सर। बिल्कुल, जो मेरे अंदर गुस्सा था ना वो ऊपर आंखों में निकल गया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को अभी, जो मेरे सीनियर वर्कर हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि अब दोबारा जैसे काफला जाएगा वहां पर बाबा जी के मंदिर के अंदर माथा टेकेंगे और चाय की भी व्यवस्था होगी। नीतीश कुमार जी, वार्ड नंबर 20 से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे कार्यकर्ता की, हम आपको बता दें मंच पर नीतीश कुमार वार्ड नंबर 20 से जो है काफी फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही हम आपको बताएंगे गाँव के करनाल के कलामपुरा गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे, स्टेज पर यह कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से मिलने पहुंचा और किस तरह से आपने देखा कि उसकी जो फीलिंग्स थी वो रोते हुए नजर आएगी। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला, इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को समय दिया गया था करनाल में ही यहीं पर कलामपुरा में, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो काफिला है वो वहां पर नहीं रुका, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने और सीनियर लीडर्स ने उनको आश्वासन दिया है कि आज के दौरे के दौरान वापसी उनसे वे मिलकर जरूर जाएंगे और जो कार्यक्रम उन्होंने रखा हुआ है कुछ समय के लिए जरूर आएंगे। और आप देखा किस तरह से कार्यकर्ता जो था मुख्यमंत्री के सामने किस तरह से काछवा करनाल रोड तक रजवाए के साथ साथ रास्ते पर प्योर ब्लॉक को पक्का किया जाना, अभी ईंटों का रास्ता बना हुआ है इसलिए अभी तुरंत पक्का नहीं करना क्योंकि अब तो ईंटों का रास्ता बन गया है, तो कोई नहीं अभी तो बना हुआ है ना, जब ये उखड़ेगा, जब इसका टाइम हो जाएगा फिर बनवा देंगे, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। और जो डिमांड है जितनी मैं बता रहा हूँ पूरी कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग, इसको दोबारा बनवा दिया जाएगा, ये तो ठीक है। शिव मंदिर का जो गेट है उसका भी निर्माण करवा देंगे। सौर ऊर्जा की लाइटें
ये हमने विभाग को कहा है कि हर गांव में जहां जहां सौर ऊर्जा की लाइट की मांग है सब कराएंगे, एक 8 लाख रुपए का खर्च है आपके गांव का, उसको भी करा देंगे। ठीक है इसको फिर दिखवा लेंगे। अभी डिपार्टमेंट ने इसको नामंजूर किया है। ठीक है, इसमें कोई मरम्मत की जरूरत हो कोई मरम्मत कराएंगे, बाकी अभी पेवरलॉक का बाद में देखेंगे, एक बार बाकी सारे काम हो जाएं, नाली है कोई उसका पानी की पाइप है बाकी सारी चीज़ें हैं, जब तक वो नहीं होगा पेवर एक बार बिछाने के बाद फिर वो चीज़ें लगती है तो उसके बाद फिर उखाड़ना पड़ता है, तो इसलिए वो सारे काम करने के बाद पेवर का काम भी बाद में कराएंगे। और मैं तो कहता हूँ काम लेकर के आओ, जिस काम की जरूरत होगी वो तो जरूर करेंगे, लेकिन पैसा जहाँ लगाना जरूरी है वहाँ लगाएंगे, जहाँ लगाना जरूरी अभी नहीं है जब जरूरी होगा तब कर देंगे, चिंता मत करो। इसलिए आप सब लोगों ने जो मांगे बताई उनको हमने माना, फिर भी आपको और मांग बताएंगे। आपके सरपंच बहुत ही होनहार, बहुत नौजवान संघर्षशील आदमी है। ठीक है, सारे कर दिए, सारे कर दिए, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आया हुआ ना ग्रांट, आ गई है ना, जितने में बनेगी उतने बनवा देंगे, चिंता मत करो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में आप पहुंचे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं करनाल कलामपुरा गांव में। चाय चाय के लिए मुख्यमंत्री जी कलामपुरा गांव में जाते हुए, नमस्कार सर, ये आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं गांव की पहुंची हुई थी, मुख्यमंत्री जी चाय के लिए अब गए हैं। हम आपको बता दें कि रोड शो के दौरान कई गांवों का दौरा करने मुख्यमंत्री आज आए थे कलामपुरा गांव में, वहां पर एक कार्यकर्ता भी नाराज़ हो गए क्योंकि उनको समय दिया गया था मिलने का लेकिन वह नहीं मिल पाए। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कलामपुरा गांव की और इस समय तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री, आज करनाल विधानसभा के 5 गांव के रोड शो पर निकले, क्या कहना चाहेंगे? ये जो स्वच्छता का अभियान है, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर, उसी के उपलक्ष्य में सारे हिंदुस्तान में ये यात्राएं निकल रही हैं, ये एक स्वच्छता का संदेश है सभी लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है हमारे हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज पूरा भारत में हमारा प्रदेश स्वच्छता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आया, ये सिर्फ और सिर्फ केवल सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे 2.5 करोड़ जनता की उपलब्धि है और 2.5 करोड़ जनता के सहयोग से ये संभव हो पाया है। और ये जो ये यात्राएं निकल रही हैं इन यात्राओं से संदेश जाएगा लोगों में, एक अच्छा संदेश जाएगा, जो महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था स्वच्छता अभियान का, उस उनकी 150वीं जयंती है उसके उसमें ये यात्राएं निकल रही हैं सारे हिंदुस्तान में, और लोगों को जागरूकता मिलेगी और जो बच्चे हैं उनको भी, नई पीढ़ी को इस बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। आप देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के 5 गांवों के रोड शो पर निकले हैं, ये तस्वीरें करनाल से आप इस समय देख सकते हैं लाइव, जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला करनाल के कलामपुरा से होकर जाता हुआ। कलामपुरा गांव में पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब, आज पहुंचे थे हमारे गांव के ऊपर, तो सीएम साहब की हमेशा ही कृपा रही है और आज भी कई डिमांड, बहुत जो भी गांव के लोगों ने डिमांड रखी है गांव के लोगों में स्वागत है, और हम तो यही चाहते हैं कि बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी गांव में आए, और आज भी बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी भी डिमांड थी गांव के लोगों की लगभग सारी डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी पूरी की है, रास्ता पक्का करने की बात है। उसके बाद अभी तो पुंडरक है, उसके बाद रतनगढ़ है और फिर जिरीफा में है, तीन, डबरी का तो अभी शायद नहीं है लेकिन 3 गाँव के अंदर कार्यक्रम है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग हमारे 6 पंचायतें हैं, 6 की 6 पंचायतों में ही जाना है मुख्यमंत्री जी का, तो आज ये दूसरा कार्यक्रम मेरे गांव में था, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये आप देख सकते हैं कि कलामपुरा गांव से मुख्यमंत्री जी वापसी जाते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 से 6 गाँव जो करनाल विधानसभा के पड़ते हैं, मुख्यमंत्री बतौर विधायक जो है, हम आपको बताना चाहेंगे कि बतौर विधायक जो है
इन सभी विधानसभाओं के अपने गांवों में जो है रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगह उनको कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी है, जैसे कि आज एक गांव कलामपुरा में एक कार्यकर्ता काफी नाराज हुआ। उसने समय ले रखा था, मिलने का तैयारी कर रखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे और आपने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पर ही बैठा फूट फूट कर रोता हुआ और अपनी इच्छा जाहिर करता हुआ नजर आ रहा था। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।